हेलो गाइज, मेरा नाम है सुम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फाइनली यहाँ पे Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max के लिए यहाँ पे MIUI 13.0.3.0 का अपडेट आज सभी यूजर के लिए रिलीज कर दिया गया है। देखते 13.0.3.0, वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है लेकिन आज के वीडियो में इस अपडेट करने वाले फुल रिव्यू, तो आपको पता लग जाएगा ओवरऑल कैसा ये अपडेट है, कितना चार्जिंग टाइम लगा रहा है, क्या कुछ फीचर ऐड हुए हैं, कितना CPU थ्रॉटल टेस्ट निकल गया है, तो सब कुछ आपको पता लगने वाला है। स्टेबल अपडेट है, 320 MB का साइज है, तो आपके फोन में भी आ चुका होगा, चेक कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको सभी फीचर्स के बारे में। और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट जो अपडेट आने वाला है ना उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और वीडियो लाइक नहीं है तो लाइक कर देना, 200 लाइक करता हूं, आई होप आप इसे कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलता हूं मोबाइल की सेटिंग में और यहां पे चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। तो यहां पे आप देखेंगे Redmi Note 10 Pro डिवाइस है और यहां पे आपका मैक्स भी हो सकता है, दोनों में सेम अपडेट आते हैं। MIUI वर्जन 13.0.3.0 पे मैंने अप टू डेट कर रखा है। जो मैंने पिछले वीडियो में फीचर बताए थे वो तो बताऊंगा ही, और जो नए मुझे फीचर मिले हैं वो भी बताऊंगा ताकि जो नए यूजर आ रहे हैं उनको दो वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। एंड्रॉइड वर्जन आपको वही 12 देखने को मिलता है, 13 तो बहुत ज्यादा लेट आएगा। और एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच की बात की जाए तो वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे मार्च का, तो ये यहाँ पे इंक्रीज वगैरह कर दिया गया, मार्च का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे कर दिया गया। इस पर क्लिक करता तो यहाँ पे कई बार जिटरीनेस आता था, तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्मूथनेस कर दिया गया काफी अच्छे एनिमेशन के साथ, तो ये चीज हुई है। नेक्स्ट चीज की बात करो तो वो आपको देखने को मिलेगा डायलर के अंदर। जी हाँ, डायलर के अंदर आप डायल पैड खोलेंगे तो इसका देखते हैं। डायल पैड अब यहाँ पे मतलब मॉडिफाई कर दिया गया, चेंज वगैरह कर दिया गया इसका स्टाइल वगैरह। पहले नॉर्मल सा था लेकिन अब थोड़ा देखने में इंटरेस्टिंग वगैरह लग रहा है, तो इसका डायलर को चेंज कर दिया गया इस अपडेट के अंदर। इसकी बात को तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे काफी लोग अपडेट नहीं करते, सिक्योरिटी स्टेटस में जाके ना गूगल प्ले सिस्टम अपडेट में जाएंगे तो यहाँ से भी आपको अपडेट रिसीव होता है 10 से 15 MB का, मतलब फोन रिबूट होगा, फीचर ऐड नहीं होगा लेकिन आज गूगल प्ले सिस्टम है ना ये इंक्रीज हो जाएगा, तो काफी लोग अपडेट नहीं करता, तो मैंने सोचा ये भी आपको बता दिया जाए, यहाँ से भी अपडेट वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं गैलरी के अंदर दिखाता हूँ, मान लीजिए इसके अंदर कुछ स्काई वाले फिल्टर ऐड हो चुके हैं, जैसे कि एडिट में जाता हूँ और स्काई के अंदर जाता हूँ तो पहले क्या आता था, बहुत सारे कम आपको देखने मिलते हैं, हालांकि नाइट सनी ये सारे थे, इवनिंग वाला भी ऑप्शन था, लेकिन इसके अंदर अब नए वाले ऐड किए गए, जैसे कि देखते हैं इस प्रकार का आपको सनसेट, जैसे कि शाम के टाइम का जो समय होता है, मतलब वो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। पहले ये सारी चीज़ें नहीं देखने मिलती, पहले सिंपल वगैरह थे लेकिन यहाँ पे 4 से 5 स्काई वाले जो फिल्टर है वो यहाँ पे ऐड कर दिए गए, और इसको आप कितना ट्रांसपेरेंट रखना वो भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलती है। और इस फोन के अंदर मैंने अंतु स्कोर भी चेक किया, तो वो भी आपको चेक कराता हूँ क्या कुछ अंतु स्कोर निकल के आया। तो हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम एक बारी अच्छा सबसे पहले मल्टी टच भी चेक कर लेते हैं क्या निकल के आया। तो यहाँ पे मल्टी टच भाई देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें इसके अंतु स्कोर के, 283,000 निकल के आया, जो कि मैंने पिछले अपडेट के अंदर इसको टेस्ट किया था, वो भी आपको चेकआउट करा देता हूं। अपडेट का देखते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था, 340,279 निकल के आया था, तो पिछले अपडेट का अंतु स्कोर है वो थोड़ा ज़्यादा निकल के आया था, लेकिन इस अपडेट में इसका अंतु स्कोर थोड़ा डिक्रीज वगैरह हो चुका है। हालांकि ये भी हो सकता है गर्मी के टाइम में इसको टेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा कम निकल गया है, तो मेरे को वैसे इसके अंदर देख सकते हैं मतलब अंतु स्कोर कम निकल के, और इसका मैंने CPU थ्रॉटल टेस्ट भी किया वो भी आपको चेकआउट करा। CPU थ्रॉटल का तो देखते हैं 80% आपको मैक्स परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, हालांकि शुरू में आपको देखते हैं धीरे धीरे करके नीचे जाता रहा, हालांकि उतनी बेकार परफॉर्मेंस हमें नहीं देखने को मिली। हालांकि गर्मियों का टाइम है, अब तो थ्रॉटल होगा ही आपका फोन 100%, चाहे कितना मर्जी कुछ कर लो, मतलब आप 13 पे चल जाओ, 12.5 पे चल जाओ, हीट तो होगा ही क्योंकि गर्मी का टाइम अब चल रहा है। इसके चार्जिंग टाइम की बात करो तो चार्जिंग टाइम में आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलती, जितना पहले देखने को मिलता था 1 घंटे 30 मिनट कभी 40 मिनट इस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। हालांकि फोन ज्यादा हीट के अंदर अपने चार्ज करोगे तो 2 घंटे से ऊपर भी आपको लग सकता है। और यहाँ पे काफी लोग मेरे को पिछले वीडियो में एक कमेंट करके कह रहे थे कि हिडन ऐप का ऑप्शन ही रिमूव हो चुका है, तो आपको दिखाता हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो हिडन ऐप का ऑप्शन मतलब और कहीं शिफ्ट कर दिया गया, फीचर आपका रिमूव नहीं हुआ। देखते हैं, मैं भी जाता हूँ यहाँ पे हिडन ऐप का ऑप्शन ही देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पे सामने ने थोड़ा इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा HIDD हिडन, आप सर्च करेंगे तो आपके सामने हिडन ऐप वाला ऑप्शन ये आ जाएगा, यहाँ से आप करके इसको यूज वगैरह कर सकते हैं। गेस्चर वगैरह में जाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है, हालांकि साथ साथ कुछ ज़्यादा वाइट हो चुका है तो आपको डार्क मोड में दिखाने की कोशिश करता हूँ ये पार्टिकल, तो देखते हैं कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको गाइड वगैरह करने का देखने को मिलता है। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, ये मैंने किया इसको, तो यहाँ पे देखते हैं आपको एक एनिमेशन नया देखने को मिलेगा, इसका हम करते हैं डाटा क्लियर, भाई इसका नहीं करना, हमें करना है सिक्योरिटी एप्लीकेशन का, ठीक है, इसका हम करते हैं सिक्योरिटी एप्लीकेशन का डाटा क्लियर। यहाँ पे अब दिखाता हूँ, ये एक नई चीज़ ऐड हुई है, मतलब अब यहाँ पे जाते हैं वापस से सेटिंग के अंदर और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं हिडन ऐप्स, ठीक है, HIDD हिडन
ऐप्स सर्च किया हमने और यहाँ पे ये देखते हैं आ चुके हैं। अब मान लीजिए मैं किसी भी चीज़ को हाइड करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे आपको नया एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइड करने का तरीका। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपको ऐड वगैरह देखने को मिलेगी इस अपडेट के अंदर। चीज़ की बात करें तो वो इसके अंदर जो बग था आपको पता है वाईफाई डिस्कनेक्ट वाला, MIUI 13 से ही चलता आ रहा है, मतलब MIUI 13 का फर्स्ट अपडेट आया था तब भी ये प्रॉब्लम देखने मिलती, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता था बिना परमिशन के। आप डिस्कनेक्ट नहीं करोगे तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम पहले बहुत ज़्यादा आ रही थी MIUI 13 के फर्स्ट अपडेट में, लेकिन इस अपडेट में बहुत कम कर दिया गया, लेकिन अभी भी वो प्रॉब्लम है। कभी ना कभी मतलब 2-4 दिन में आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट वगैरह होएगा, पहले दिन में ही 2-4 बार ही हो जाता था, लेकिन उसको फिक्स किया, लेकिन अभी पूरी अच्छी तरीके से फिक्स नहीं है। Xiaomi को इसको फिक्स करने की जरूरत है। एक और यहाँ पे फीचर ऐड हुआ है, जैसे कि एक्टिविटी लॉन्चर में जाएंगे जो कि हिडन फीचर फाइंड करने काम आती है, इसके अंदर ऐड किया गया, जैसे कि आप डाउनलोड कर लीजिए एक्टिविटी लॉन्चर, वहां से आपको पता लगेगा ये फीचर ऐड वगैरह हुआ है। तो हम सर्च करते हैं यहाँ पे EARTH, यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा अर्थक्वेक वाला फीचर। तो ये चीज भी आपको देखने को मिल जाती है, देखते हैं ये फीचर वगैरह यहाँ पे ऐड हो चुका है, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे एग्री वगैरह करेंगे तो यहाँ पे प्ले साउंड होएगा। तो देखते हैं कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। तो ये फीचर हिडन है लेकिन Xiaomi ने ऐड वगैरह करके रखा है, पता ही लग गया अर्थक्वेक की यहाँ पे मतलब आपको वार्निंग वगैरह बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं और नेक्स्ट वगैरह करेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। यहाँ से ट्रायल वगैरह ले सकते हैं, इसको ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ और ऐड हो चुकी है FRONT फ्रंट, यहाँ पे हम सर्च करेंगे और यहाँ पे सी, और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा फ्रंट कैमरा असिस्टेंट। ये फीचर हालांकि ये वर्क नहीं करता, लेकिन ऐड वगैरह कर दिया गया इस अपडेट के अंदर, एक्टिविटी लॉन्चर के थ्रू आप इन्हें चेकआउट वगैरह कर सकते हैं। कुछ हम बात करें यहाँ पे कैमरा के अंदर, तो यहाँ पे आप देखते हैं कैमरा के अंदर गोरा वगैरह कर रहा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई साहब गोरा करता है तो पता ही है, फोटो नेक्स्ट फोटो क्लिक करने में भी हमें मतलब मोटिवेशन मिलती है ना, ऐसे प्रकार गोरा करता है तो अच्छा लगता है यार। ठीक है, मैं अपने मोबाइल मुद्दे पे आता हूँ। यहाँ पे देखते मैंने पोर्ट्रेट मोड पर एक फोटो क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने की पोर्ट्रेट मोड पे क्लिक। अब हम करते हैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मोड के अंदर फोटो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। मान लीजिए डॉक्यूमेंट तो है नहीं, कोई भी आप क्लिक कर लीजिए। ये मैंने किया डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिक, दो फोटो हो चुके क्लिक। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको सैंपल्स वगैरह दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, लेकिन ऐड किया हुआ ये आपको दिखाता हूँ। तो ये देखते हैं कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। हम चलते हैं होम स्क्रीन पे, अब चलते हैं गैलरी, हमने किया गैलरी के ओपन और यहाँ पे आप देखेंगे कि मीडिया टैब के अंदर 3 फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं। पहले मैंने देखा था पोर्ट्रेट मोड का है, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट काफी सारे में क्लिक किया तो यहाँ पे अलग से एक और फोल्डर क्रिएट हो जाता है, जिसमें आपको पता लगता है पोर्ट्रेट मोड वाली फोटो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और सेल्फी वाली फोटो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाली चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। मतलब पर्टिकुलर एक फोल्डर क्रिएट कर रहा है, मतलब डायरेक्ट आप क्यों एक्सेस वगैरह कर सकते हो। तो ये चीज इसके अंदर ऐड वगैरह करती, पिछले मैंने बताया था, लेकिन मैंने सारे पर क्लिक करके नहीं देखा था, डॉक्यूमेंट सेल्फी पोर्ट्रेट मोड ये देख सकते एक अलग सा ही क्रिएट हो चुका बिना थंबनेल। बात कर लूं इस अपडेट के अंदर, काफी लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि इस बार तो अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप का ऑप्शन आ जाएगा, देखते हैं अनइंस्टॉल का ऑप्शन अभी भी नहीं आ रहा। और यहाँ पे सेटिंग में भी जाकर दिखाता हूँ, ये 100 केस के लिए Xiaomi वाले ने MIUI 12.5 के साथ दे दिया है, लेकिन अभी तक इस फीचर को वर्क नहीं करवाया, तो ये फीचर भी आपको नहीं देखने को मिलता। और यहाँ पे हम बात करें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में परमानेंट का ऑप्शन आया है कि नहीं आया, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, ऑन करते हैं इसको, तो यहाँ पे देखते हैं कोई भी परमानेंट वाला ऑप्शन भी यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता, सेम टू सेम वैसे का वैसे ही आपको देखने। कुछ चीज़ों की बात को तो गैलरी के अंदर आपको चेंज देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि गैलरी एप्लीकेशन को अपटूडेट किया गया ना, तो यहाँ पे सेटिंग वगैरह के जाएंगे। जब भी देखते हैं साइन विथ क्लाउड को आप ऑन करेंगे तो इसका लेआउट थोड़ा कलरफुल टाइप में कर दिया गया और थोड़ा बहुत मॉडिफाई आपको देखने को मिलता है, बाकी कुछ और ये नहीं देखने को मिलता, बाकी सेम टू सेम आपको वैसे ही देखिए। कुछ आपको देखने को मिलता है इस अपडेट के अंदर 13.0.3.0, अब 13.5 जो अपडेट आने वाला है ना, वो एक बहुत बड़ा अपडेट हो सकता है, उसमें काफ़ी सारे मेजर चेंजेस हो सकते हैं, उसके लिए काफी एक्साइटेड हूं। बाकी देखते हैं Redmi Note 10 Pro में कब तक आता है, अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आई होप आज वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।